दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल की रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हो तो आपने अपना यूट्यूब चैनल तो बना ही लिया होगा और यूट्यूब चैनल पर जो भी मैंने सेटिंग बताया हुआ है वो सारी सेटिंग आप लोगों ने अपने चैनल पर कर लिया होगा और मैंने वीडियो के बारे में भी बताया है कि वीडियो आप लोगों को कैसे शूट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे एडिट करना है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बता दिया है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, ये सारे काम करने के बाद अब बात आती है कि यूट्यूब चैनल पर हम लोग वीडियो कैसे अपलोड करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीका बताने वाला हूं यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जो नए यूट्यूब क्रिएटर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हो राजपास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर YouTube से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप साइड में देख सकते हो यहां पे मैं सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। चलिए मैंने यहाँ पे YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। मान लीजिए आपने जो वीडियो बनाया हुआ है उसे आप लोग कैसे अपलोड करोगे, तो सिंपली आप लोगों को करना क्या है, YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और जो भी वीडियो आप लोगों ने बनाया हुआ है, एडिट किया हुआ है, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक मैं वीडियो सैंपल आप लोगों को अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मतलब टाइटल वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप लोगों को पब्लिश का ऑप्शन दिखाई देता है तो इसको आप लोगों को सबसे पहले अनलिस्टेड कर देना है, उसके बाद यहाँ पे बैक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इतना मतलब आपको टाइटल वगैरह अभी कुछ भी नहीं डालना है, सिंपली इस वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों के वीडियो के बारे में पूछा जाता है कि आपकी वीडियो बच्चों से रिलेटेड है या फिर बच्चों से रिलेटेड नहीं है। अगर बच्चों से रिलेटेड नहीं है तो आप लोगों को नो इट्स नॉट मेड फॉर किड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों के यहाँ पे सिंपली अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और आपकी जो वीडियो रहेगी वो अपलोड होने लगेगी। तो सिंपली जब आप लोगों की वीडियो अपलोड हो जाती है तो आप लोगों को जाना है YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। तो दोस्तों सिंपली आप लोगों को YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और जो भी वीडियो आप लोग अपलोड किए रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसा कि मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था। अब दोस्तों इस पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आपने इस वीडियो का थंबनेल बनाया हुआ है या फिर नहीं। वीडियो अपलोड करने से पहले ही आप लोगों को वीडियो का थंबनेल वगैरह बना लेना है, तो उसके बाद आप लोगों को इसका टाइटल थंबनेल वगैरह सारा कुछ मतलब चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एक मतलब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टाइटल का ऑप्शन आता है, तो टाइटल पे क्लिक करके आप लोगों को सबसे पहले तो ये डेट आप लोगों को कट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब यहाँ पे टाइटल क्या डालना है, फॉर एग्जांपल आपका वीडियो क्या है। तो जो भी वीडियो आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरा वीडियो है कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं, ये वाला मेरा वीडियो है, तो मैं सिंपली जाऊँगा YouTube एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं बैक आया, YouTube एप्लीकेशन में आया और यहाँ पे मैंने लोगो पर क्लिक किया। लोगो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके चैनल का नाम जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर में, उसके नीचे यहाँ पर टर्न ऑन इनकोग्निटो मोड ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, इस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को सिंपली। यहाँ पर जब आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी सर्च करोगे तो ये सर्च हिस्ट्री में नहीं जुड़ेगा, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर ये सर्च करना है, मतलब जो आपका वीडियो है वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ YouTube से पैसा कैसे कमाएं। देखिए मैंने इतना लिखा है YouTube से पैसा कैसे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कई सारे टाइटल आ चुके हैं। तो अब सिंपली आप लोगों को अपनी वीडियो का जो फर्स्ट टाइटल यहाँ पे मतलब जो दिखाई दे रहा है ना, सिंपली यहाँ पे मतलब तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एरो वाले निशान पे, और यहाँ पे आपको प्रेस करके रखना है और आपको कॉपी कर लेना है ये वाला जो भी मतलब ये वाला जो टाइटल था इसे कॉपी कर लेना है। फिर यहाँ पे एक बार आपको जाना है इसमें YT स्टूडियो में और ये टाइटल आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करके रखना है, मतलब दबा कर रखेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे एक स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी सी लाइन दे देनी है इस तरीके से, इस तरीके से बड़ी सी लाइन देकर आपको स्पेस दे देना है। फिर से जाना है आपको YouTube में। अब यहाँ पे आप लोगों को देखिए सर्च करना है कि मोबाइल मतलब कुछ और मतलब सर्च करना है, कुछ और तरीके से सर्च करना है कि YouTube से पैसा कैसे
कमाते हैं, ऐसे लिख लेना है आप लोगों को मोबाइल से। ये देखिए जैसे मैंने लिखा YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कमाते हैं मोबाइल से ये वाला टाइटल आ चुका है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एरो वाले निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना है, फिर कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आप लोगों को जाना है YT स्टूडियो में और ये टाइटल भी आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपली आप लोगों का जो वीडियो का टाइटल है वो आप लोगों को सर्चेबल टाइटल मिल गया है। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो भी टाइटल आप लोग यहाँ पे लिख रहे हो ना, अब आप लोग ये जो टाइटल लिखोगे तो आप लोगों की वीडियो सर्चिंग में आएगी और हो सकता है आपकी वीडियो वायरल भी जा सकती है। लोग अगर सर्च करेंगे इससे कि YouTube से पैसा कैसे कमाएं तो आप लोगों की वीडियो सर्चिंग रिजल्ट में सबसे मतलब ऊपर आएगी। अब ऊपर आने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की वीडियो जो है 100% ऊपर आएगी, लेकिन आप लोगों की वीडियो सर्चिंग रिजल्ट में ज़रूर से आएगी। अब ये टाइटल आपने लिख लिया, अब इसको सभी को मतलब कॉपी कर लेना है आप लोगों को, यहाँ पे सभी टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को अपने सोशल मीडियाज के लिंक दे देने हैं और इस वीडियो के बारे में अबाउट दिस वीडियो आपको लिख देना है कि मतलब ये वीडियो जो है इस वीडियो में आपने क्या क्या बताया हुआ है, ये सारा चीज़ें आप लोगों को मतलब फिल कर देना है और सोशल मीडिया का लिंक दे देना है। उसके बाद आप लोगों को मतलब फिर से वही जाना है YouTube एप्लीकेशन में और तरह तरह के टाइटल आप लोगों को मतलब बदल बदल के टाइटल आप लोगों को सर्च कर लेना है और वो टाइटल यहाँ पे 4-5 टाइटल और आप लोगों को लिख देना है, यूर क्यूरियस करके लिख देना है या फिर कवर टॉपिक करके लिख देना है, इस तरीके से 4-5 टाइटल और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, लेकिन उसके पीछे कोमा नहीं डालना है। सिंपली एक एक टाइटल लिखने के बाद, जैसे कि ये वाला टाइटल हो गया ना, जैसे सिंपली ये टाइटल हो गया, मैं इसे कॉपी करता हूँ और चलिए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर स्पेस देना है, फिर ये जो दूसरा टाइटल है इसको मैं इस तरीके से कॉपी करता हूँ, फिर इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगा, इसी तरीके से नीचे करके ना 4-5 टाइटल आप लोगों को YouTube से सर्च करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना है। तो ये जो टाइटल रहेंगे यही सब टाइटल आप लोगों को मतलब आपके टैग में भी डालना है, बाकी यहाँ पर अनलिस्टेड करके ही रखना है अभी तक, जब तक आपका पूरा काम कम्प्लीट ना हो जाए। फिर यहाँ पर टैग वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेम यही चीज़ें जो आपने मतलब कॉपी किया था आपने यहाँ पर प्रेस करके रखना है और कोमा डालना है, ये टैग इस तरीके से मतलब पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को YouTube पर जाकर जो भी टाइटल मतलब आपके वीडियो से रिलेटेड होता है उसे सर्च कीजिए, जो ऊपर में टॉप पर आता है उसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप लोग वीडियो अपलोड करोगे तो आपका वीडियो जो है 100% जो है सर्चिंग रिजल्ट में आएगा, ब्राउजिंग फीचर में भी जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैंने YouTube पर सर्च किया कि पबजी गेम मोबाइल में कैसे खेलें, इस टाइप से मैंने YouTube पर सर्च किया और मैंने किसी और का वीडियो देख लिया, लेकिन अगर आपने उस टाइटल पर वीडियो बनाया होगा तो आपका वीडियो मेरे ब्राउज फीचर में आ सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग जो है ये टाइटल वगैरह डालोगे तो आप लोगों का वीडियो सर्चिंग में आएगा। अगर कोई बंदा सर्च करके आपकी वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अगर किसी और की वीडियो देख रहा है तो उसके ब्राउज फीचर में भी आपकी वीडियो जा सकती है। तो इस तरीके से वीडियो अपलोड कीजिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर देना। तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो में बस इतना ही।